अगली सुबह में आप सभी का स्वागत है। और हम हैं नीला आइलैंड में। आज हमारा आखिरी दिन है नीला आइलैंड में। आज हम जाएंगे यहाँ पे नेचुरल ब्रिज देखने और भरतपुर बीच पे। कल हम गए थे लक्ष्मण ब्रिज नंबर 1 पे। अभी हम नाश्ता करना है अपने होटल में। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है हल्की हल्की। यहाँ देखिए सामने वो देखिए बीच है, तो यहाँ पे नाश्ता कर लेते हैं पहले। यहाँ पे क्या नेटवर्क की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। नेटवर्क यहाँ पे जनरली नहीं लगता, चाहे वोडाफोन हो चाहे एयरटेल हो। तो फिलहाल तो हम नाश्ता कर रहे हैं और नाश्ता करके फिर यहाँ से निकलते हैं। अगर बारिश रुकने का वेट है, अगर बारिश भी रुक जाए तो बेहतर रहेगा। सामने मेरे ये पूरा जो मैप है यहाँ का नील आइलैंड का, वो है कितना छोटा सा ये। यहाँ से सीतापुर बीच 7 किलोमीटर है हमारे यहाँ से, भरतपुर बीच 3 किलोमीटर और नेचुरल बीच 4 किलोमीटर। और कुल मिला के देखा जाए तो वहाँ से, जैसे हम लक्ष्मण बीच नंबर 1 पे हैं, हम वहाँ से लेके और ये सीतापुर बीच तक, ये जो है ये 7 किलोमीटर का रेडियस ही है इसका। बस ये इतना ही बसा हुआ है ये मेन। हम वहाँ लक्ष्मण बीच नंबर 1 पे हैं। कल हम 1 पे गए थे, आज हम नेचुरल बीच पे जाएंगे। जेटी वहाँ पे है, यहाँ ही पे हमारा होटल है। और ये देखिए वहाँ पे, ये बस इतना सही है ये। इस समय मैं भरतपुर बीच पे हूँ और ये देखिए फेरी पॉइंट है बिल्कुल सामने, उसके नज़दीक ही है ये। और वहाँ से हम अंदर घुसे थे। वहाँ पे आपको लॉकर्स भी मिल जाएंगे। यहाँ पे वाटर स्पोर्ट बहुत अच्छा होता है, देखिए कितना ज़बरदस्त अभी हाई टाइड है पानी का। और पानी का रंग देख रहे हैं आप, बहुत सुंदर है ये भरतपुर बीच, वाकई में काफ़ी सुंदर है। यहाँ आप चाहे तो वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हैं। पीछे मेरे अगर आप देख रहे हो ना, तो लॉकर वॉकर की फैसिलिटी भी है। थोड़ा सा पीछे होना पड़ेगा, यहाँ पे बहुत पानी है। तो यहाँ पे अभी थोड़ी देर बैठेंगे, वाटर स्पोर्ट आप चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो। बाकी बेहतरीन जगह है ये, बेहतरीन। देखिए हम आपको व्यू दिखाता हूँ वापस, ये देखिए ज़बरदस्त पानी का व्यू है, मज़ा आ रहा है यहाँ पे। इस समय हम भरतपुर बीच पे हैं और आप देख सकते हैं वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी भी आप चाहो तो कर सकते हैं। पीछे जेटी है, ये हमारे होटल से करीब 4 किलोमीटर है, जो टैंगो बीच रिसोर्ट है उसके पास ही है। और पानी यहाँ का आपको थोड़ा साफ मिलेगा, बहुत साफ मिलेगा पानी। थोड़ी देर यहाँ पे आप बैठिए, एंजॉय कीजिए। खाने पीने के स्टॉल पीछे, लॉकर भी पीछे ही है। स्टार्टिंग में जहाँ से हम आए थे वहाँ लॉकर है। तो अभी हम यहाँ बैठेंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, क्योंकि अभी हमारा तो स्पॉट टाइम है। आज का हमारा जो ट्रिप है वो ये है, और इसके अलावा हम जाने वाले नेचुरल ब्रिज, जो कि दूसरी साइड है लक्ष्मणपुर बीच पर। तो वहाँ जाएंगे, तो अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं। आप बैठ जाइए, देखें कुर्सी भी लगी हुई है। तो अभी हम यहीं पर 1.5 घंटा 2 घंटा जितना हमारे पास समय है, उतना समय हम निकालेंगे। वाटर स्पोर्ट भी आप कर सकते हैं यहाँ पर। तो ठीक है, थोड़ी देर बाद आपसे मिलते हैं नेचुरल ब्रिज पे। बीच पे बहुत क्या कर सकते हो आप, लेटे लेटे यहाँ पे हम मस्त लेट गए हैं और ये आनंद ले रहे हैं। यहाँ पे कितना शांति सुकून है देख सकते हैं आप। अंडमान निकोबार आइए, ज़रूर आइए, और कम से कम 6-7 दिन हाथ में रखिए, बड़ा मज़ा आने वाला है आपको। देखिए वो सामने आपको एक आइलैंड दिख रहा है, वो एक सामने जो आइलैंड है ना, वो वाला वो है ब्लॉक आइलैंड है। और देखिए वहाँ से एक शिप आ रही है, छोटी सी, अगर आपको शिप दिख रहे हो कैमरे में, वो है मकरूस। वहाँ से जनरली ना आइलैंड हैवलॉक, यहाँ से शिप घूमती है। देखिए वो आ रही मकरूस, और ये यहाँ का फेरी पॉइंट है, और वो खड़ी है हमारी नॉटिका। तो ये आमने सामने ही है, वो हैवलॉक है और ये नील है। हैवलॉक से नील 1 घंटे का डिस्टेंस है, और हैवलॉक से पोर्ट ब्लेयर लगते हैं 1.5 घंटे, और यहाँ से पोर्ट ब्लेयर लगेंगे 1 घंटे। तो देखिए वो आ रही मकरूस। तो ये इतना सही फ़र्क है, देखिए खाली ये आमने सामने है, ऐसे है यहाँ पे बना हुआ। यहाँ पे है ना अलग अलग राइड्स है, ग्लास बॉटम बोट है, स्नॉकलिंग है, आइलैंड टूर है, स्पीड बोट है, बनाना राइड है, वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ भी बहुत सारी है, देखिए और यहाँ पे रेस्टोरेंट भी खूब सारे हैं। इधर है लाइन से, इधर रेस्टोरेंट्स अगर आप जाएंगे तो इधर बहुत सारे रेस्टोरेंट, उधर मार्केट है, उधर से हमने अभी कुछ सोविनियर्स खरीदे हैं। बाकी इधर भी बहुत सारे रेस्टोरेंट है, तो चलिए आगे चलते हैं। थोड़ी देर भरतपुर बीच पे बैठने के बाद हम निकल चुके थे नेचुरल ब्रिज देखने। नेचुरल ब्रिज है लक्ष्मणपुर 2nd पे बना हुआ। बारिश थोड़ी थोड़ी सी हो रही थी और ये रास्ता भी बहुत अच्छा है, तो चलिए वहाँ पर फटाफट से चलते हैं और देखते हैं।
हमें ड्रॉप करके, और अभी हम ये नेचुरल ब्रिज की तरफ आ गए हैं। पीछे हमें वहाँ पे ड्रॉप कर दिया था उन्होंने, वहाँ उस एरिया में, और यहाँ से हमको खुद ही पैदल जाना है। यहाँ से राइट लेना है अपन को, यहाँ से हमें सीधा चलना है, और सीधा चल के फिर एक बीच आएगा, बीच से लेफ्ट जाना है हमको। देखना अगर वहाँ पानी का कम होगा चढ़ाव तो हम नेचुरल ब्रिज देख पाएंगे। अभी पानी है यहाँ पे, क्योंकि बाकी पूरा बहुत ही छोटा सा है। नहीं देखिए, वॉक करते हम जा रहे हैं, पूरा जंगली एरिया है, तो ये 2 मिनट का रास्ता है। कह रहे हैं कि 2 मिनट का रास्ता है, उसके बाद बोले आप सीधा सीधा जाएंगे। और यहाँ पे कुत्ता अचानक से आ जाता है, यहाँ कोई इनका वो नहीं है, और ये आपके साथ साथ ही चलेंगे। यहाँ बहुत बार मुझे देखना ही नहीं है। चलिए, मुझे तो ये जंगल वाले एरिया से वैसे ही बहुत हो गई है, तो फटाफट से चलते हैं अभी आगे। कितना लंबा रास्ता है ये पता नहीं कितना। यहाँ पे बाजार है, यहाँ पे हर जगह सोविनर्स की शॉप है। हमने वैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे कुछ चीज़ें ली हैं, लेकिन यहाँ भी सोविनर्स की शॉप है, आप ले सकते हैं सब जगह। बहुत ही छोटा सा आइलैंड और बहुत खूबसूरत है। हम उस बीच पर थोड़ी देर बैठे, 3 घंटे बैठे, थोड़ी देर नहीं, 3-3.5 घंटे बैठे, और मज़ा आ गया। और अब यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, ये आ गया यहाँ पे लक्ष्मणपुर बीच नंबर 2 नेचुरल ब्रिज। हियर बिकम्स द नेचुरल ब्रिज। तो चलिए फटाफट से चलते हैं। ओ, हवा बहुत चल रही है यहाँ पे। एक्चुअली अभी वो लेफ्ट में जाना है हमें, तो अभी तो जा नहीं सकते, ये बहुत हाई टाइड है और कुछ इस तरह का यहाँ पे है। नहीं, अभी एक बार अपन को देखना पड़ेगा, ये तो क्रॉस नहीं कर सकते अपन अभी इस पानी में तो, और वो रास्ता भी उधर से है। हम वापस आ गए थे, हम वहाँ तो हम नहीं जा पाए क्योंकि वो थोड़ा ट्रैकिंग करके था, तो हमें सही नहीं लगा, क्योंकि इस समय क्या है, बारिश के कारण फिसलन बहुत है रॉक्स पे, तो गीली मिट्टी के चक्कर में आपका पैर वैर फिसल जाए और आपके कोई चोट वोट आ जाए, तो इस चक्कर में हमने अवॉइड करा। वैसे भी हमें इंटरेस्ट थोड़ा कम था, नील बहुत छोटा है, हमने 2 दिन लेके, हमें लग रहा है शायद हम एक ही दिन यहाँ पे रुकना चाहिए था। नील 2 दिन का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 ही बीच जो हैं, एक भरतपुर और एक लक्ष्मणपुर, दोनों बीच अच्छे हैं, तो 1 दिन बहुत है इस चीज़ को कवर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क इशूज़ हैं और यहाँ पे खाने पीने की जो चीज़ें मिल जाती है लेकिन बहुत कम मिलती है, डिपेंड है कि टूरिस्ट कितना आता है। तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं नील का बना रहे हैं, तो नील आप 1 दिन रखिए, इससे ज़्यादा अगर आप रुकेंगे तो आपको खुद को यहाँ पे, क्योंकि करने को कुछ है ही नहीं यहाँ पे, वाटर एक्टिविटी ज़रूर है यहाँ पे भरतपुर बीच पे, लेकिन वो कितना करेंगे आप, तो इसलिए अब हम यहाँ आ गए। अभी 2:30 बज रही है, अभी हम रेस्ट वेस्ट करेंगे, शाम को डिनर है हमारा, आज का जो नील का दिन था वो यहीं ख़त्म हो गया है, और कल हम वापस यहाँ से पोर्ट ब्लेयर निकल जाएंगे। पोर्ट ब्लेयर हमारा एक रॉस आइलेट है बचा हुआ पेंडिंग, वो अगर बारिश नहीं हुई तो हम ज़रूर वो करेंगे। तो नील आइलैंड को आज हम यही समाप्त करेंगे, हमने घूम लिया नील आइलैंड, इतना सही है, इसमें ज़्यादा बताने कुछ है ही नहीं यहाँ पे तो। और सीतापुर बीच भी है, आप जो आज जा सकते हो, यहाँ हमारे होटल से तो काफ़ी दूर है, लेकिन सीतापुर बीच इज़ अ सनसेट पॉइंट है, सनराइज पॉइंट है, सनसेट पॉइंट में से एक है वो, तो अगर आपको जाना है जा सकते हो, लेकिन हमारा इंटरेस्ट थोड़ा कम है क्योंकि बीच ऑलमोस्ट अब सारे सेम ही हैं और हम काफ़ी देर बैठ भी गए, तो इसीलिए टेक केयर, बाय बाय। अब यहाँ हम क्लोज करते हैं नील वाले दिन को, आज हम यही समाप्त करते हैं, आपसे मिलेंगे हम कल सुबह, फेरी हमारे यहाँ से, तब हम आपसे बात करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय। दिखा रहा था मैं, अभी मैं आया हूँ डिनर करने, नील में हूँ मैं, आज हमारा आखिरी दिन है। सोने का मैं चाहूँगा पूरा मेन्यू दिखा दो। हमने मंगाया दाल तड़का, ये है शाही पनीर, आलू सैलेड, पापड़, ज़ीरा राइस, प्लेन चावल, और यहाँ पे फेमस जो हमें हर बार देखने को मिलता है, गुलाब जामुन। तो अगर आप अपने होटल आ रहे हैं और अगर आप मेन्यू यहाँ पे बुक करा देते हैं मील रात का, खाना आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है, खाने की कोई दिक्कत यहाँ पे आपको किसी भी तरह की नहीं। तो अभी हम खाना फिनिश करते हैं और आपसे बात करते हैं।